तो अभी आप क्या मिट्टी डाल रहे हैं इसमें? ना आपने कोई पंप लगा रखा है कि सक करने वाली? कब दिया था आपने पैसा? आपने एक साल इसमें लगा दिया? सर सबसे ऊपर की दूरी या तुमको मेरे प्रेजेंस में बता रहे हैं? हल्द्वानी में सड़कों की जर्जर स्थिति, पेयजल शिफ्टिंग कार्यों में देरी और मानकों के अनुरूप कार्य न किए जाने पर गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर दीपक राउत ने देखा कि विभाग द्वारा क्षेत्र में पेयजल लाइन शिफ्टिंग के बाद भरान और कुटान कार्य सही से नहीं किया गया है, जिससे सड़क की स्थिति नाजुक बनी है। आए दिन सड़क पर हादसे हो रहे हैं। इसके साथ ही सड़कों में पानी से भरे हुए गड्ढे, लीकेज पेयजल लाइनें, सिंचाई विभाग की खुली नहर पर नाराजगी जताते हुए तुरंत हर हाल में मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने जल संस्थान की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित अभियंता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जल संस्थान द्वारा चंबल पुल से चौफुला तक 1300 मीटर मार्ग में 3 करोड़ की लागत से पेयजल शिफ्टिंग का कार्य किया जाना था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। ये चंबल पुल से लेके चौफुला रोड पे जो काम हो रहा है, इसमें दो तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। एक तो बिजली की शिफ्टिंग, पानी के पाइपलाइन की शिफ्टिंग, उसके ऊपर नहर की कवरिंग और फाइनली पूरे रोड सरफेस का काम, जो कि पीडब्ल्यूडी को करना है। इसमें से जो नहर कवरिंग का पार्ट है वो इरिगेशन कर चुका है और लाइन शिफ्टिंग का काम अभी चल रहा है, जल संस्थान कर रही है। लेकिन जल संस्थान ने जो शिफ्ट किए हैं पाइप्स अभी तक, उसके बाद उनकी ये एस्टिमेट में था कि उनको उसकी मिट्टी की रैमिंग करके, कॉम्पैक्शन करके, लेवल करके उसको देना है। पूरी रोड नहीं बनानी लेकिन लेवल करके देना है, वो नहीं हो रखा है। साथ ही साथ मल्टीपल जगहों पे लीकेजेस हैं, जिससे कि जो पुरानी रोड है उसको भी नुकसान हो रहा है। और फाइनली जिसका ओवरऑल काम है तो पीडब्ल्यूडी को करना है, जिसका एस्टिमेट उन्होंने भेजा हुआ है, जिसकी स्वीकृति हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इसकी क्वालिटी राइडेबल हो, कोई गिरे ना, ये कंसर्न डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी डायरेक्शंस बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। तो इसमें पहले से जांच एक ऑर्डर हो रखी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है उसको किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मौके पर लीकेजेस पाई गई हैं, इनको शाम तक रिपेयर करने के, बल्कि आज रात तक रिपेयर करने के डायरेक्शंस मैंने दिए हैं। और कौन उसके लिए जिम्मेदार है जो इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है कि लीकेजेस हैं, उनके विरुद्ध भी उनको स्पष्टीकरण लेते हुए जो भी दंड उचित वो दिया जाए।